पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा का भाजपा कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया। भाजपा महानगर के सभी मोर्चे और सभी मंडल अध्यक्षों ने फूल मालाएं पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक नितेश गुप्ता रहे। आयोजित कार्यक्रम में सभी ने पुष्प गुच्छ भेंट करके स्वागत किया। मंच पर बोलते हुए क्षेत्रीय महामंत्री हरि ओम शर्मा ने कहा कि संगठन में बदलाव होना एक नियम है और कोई भी इस पद पर स्थायी नहीं रह सकता। भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में पूरे प्रदेश में परिवर्तन किया है। अभी जैसा आप सब जानते हैं कि संघ की एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है कि 3 साल कार्यकाल पूरा होने के बाद नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। उसी के तहत हमारे संघ में श्री संजय शर्मा जी को मुरादाबाद महानगर के अध्यक्ष के रूप में हम सबके सामने नियुक्त किया है और हम सब का कर्तव्य है कि उनके दिशा निर्देशन में आगे हम सब काम करेंगे। अध्यक्ष का दायित्व भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बहुत महत्वपूर्ण दायित्व है। मैं सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ कि मुझे भी इस दायित्व पर काम करने का अवसर संघ ने दिया और उससे भी सौभाग्यशाली हूँ कि आप जैसे कार्यकर्ताओं के मध्य में दिया। आदरणीय नितेश जी गुप्ता जी यहाँ महानगर अध्यक्ष थे, उनका पूर्ण सहयोग मुझे बराबर मिलता था। हम दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से काम करने का प्रयास किया। कभी ऐसा नहीं लगा कि अध्यक्ष मैं हूँ या नितेश गुप्ता जी, सदैव मिलजुल कर काम करने की जो प्रक्रिया हमारे संगठन में है। मेरा निवेदन है कि अभी दोनों अध्यक्षों की नियुक्ति यहाँ पर हुई है, मैं संजय शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा और आदरणीय आकाश पाल जी से भी कि मिलजुल कर मुरादाबाद जिला और महानगर के संगठन को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने नवनियुक्त अध्यक्ष आदरणीय संजय शर्मा जी को है कि वो हम सबको जिस भी निर्देशन जैसा देंगे सभी सारे कर्ता काम करेंगे। जो भी आगे अभी भाई साहब ने बताया कि चुनाव सर पर है, किसी भी अध्यक्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है चुनाव। और 2024 की जो लोकसभा हम पिछली बार हार गए थे वो ये लोकसभा जीते, इसके लिए हम सब काम करेंगे। तो वही मंच पर बोलते हुए नगर विधायक नितेश गुप्ता ने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो सामान्य से कार्यकर्ता को बुलंदियों तक पहुंचा देती है, जिसका परिणाम मैं खुद आपके सामने हूं और आज संजय शर्मा भी पार्टी की इसी नीति का परिणाम है जो आज ये यहां महानगर अध्यक्ष बनाए गए हैं। नगर विधायक नितेश गुप्ता ने अपने कार्य को सभी के सामने रखा और कहा कि जब मैंने पार्टी से पार्षद का टिकट मांगा था तो मुझे टिकट नहीं दिया गया, लेकिन आज मुझे विधायक इसी पार्टी ने बनाया है। इसी के साथ उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आकाश पाल जी, संजय शर्मा जी सब लगभग एक ही समय की होती है भारतीय जनता पार्टी में, लगभग एक आध साल आगे पीछे रहा होगा। हम लोगों की स्थिति वो थी जब भारतीय जनता पार्टी में हम लोग आए थे, हम लोगों की मानसिकता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी। मेरे को ध्यान है कि जब पार्टी ऑफिशियल ज्वाइन नहीं की थी उससे पहले हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए बूथ कैप्टन तक होते थे। भाई गांधीनगर में मैं रहता था तो गांधीनगर में जो बूथ था ना, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होता गांधी जानते थे कौन है, तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करना है जी। जिस दिन चुनाव होता था उस दिन बूथ खड़े हो जाते थे और भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्राई किया करते। तो ऐसे ही पहली बार उपेन्द्र जी महसूल जब जिलाध्यक्ष बने उनको जानता बहुत पहले से था, जब 96 में जिलाध्यक्ष बने तो रेती बोलने में एक मुन्ना चाचा हुआ बोल रहे थे, बहुत पुराने वो भाजपा में रहे थे, तो मुझसे बोले कि चल मेरा जो है भांजा भतीजा कुछ काम उन्होंने जिलाध्यक्ष बनाया तेरे को मिलवा के लाता हूँ। थोड़ा सा हम लोग उस समय गर्म दल के थे,
जब मिलवाया तो उन्होंने कहा कि भाई ये लड़का है दिलेश बहुत अच्छा है, बोले हाँ मैं जानता हूँ उसको, तो उसको बीजेपी ऐसे में हटाया पहली बार मोहन से मिला, बोले भाजपा की सरकार है गुंडागर्दी नहीं चलेगी, समाज के काम करना। मैंने चाचा को बाहर आके काम करना, तुमने किसे बुला दिया यार, हम तो भाजपा के लिए काम कर रहे हैं ना, हमेशा खुद क्या कर रहे हैं हर कारण, ऐसा मत करना वैसा मत करना। तब से हम लोगों की शुरुआत भूपेन्द्र जी भाई साहब जिले की कार्यकारिणी में सबसे छोटे पद पे थे, जब बैठ के हुआ धोती होंगी तो जैसे वो विपिन शर्मा पीछे कोने बैठे हुए हम लोग जैसे बैठा करते थे, भूपेन्द्र जी भाई साहब बैठा करते, लेकिन आज प्रदेश के अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के संगठन संजय शर्मा जी, जिन्होंने युवा मोर्चा के छोटे से पद से शुरुआत करी अपनी और आज महानगर अध्यक्ष के रूप में हमारे पीछे बैठे हुए। तो ये सुंदरता है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बेस पार्टी जिसको कहते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ही देश के कार्यकर्ता कहा जाता है, ना सपा में कहा जाता है, ना बसपा में कहा जाता है, ना कांग्रेस में कहा जाता है, कहा जाता है क्या? मंच पर बोलते हुए निवर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा भावुक हो गए और मंच पर बोलते हुए कहा कि मैं आज जो भी कुछ हूँ वो अल्पना रितेश गुप्ता की बदौलत ही हूँ। दरअसल आयोजित कार्यक्रम में मंच पर धर्मेंद्र नाथ मिश्रा बोल रहे थे, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में सभी पदाधिकारियों और सदस्यों ने मेरा साथ दिया और मेरी जरूरत जब भी नवनियुक्त अध्यक्ष संजय शर्मा को पड़ेगी मैं हमेशा उनके साथ खड़ा रहूंगा। तो वही मंच पर भावुक हो गए और बोले कि आज मैं जो भी कुछ हूँ वो सिर्फ अल्पना गुप्ता की वजह से हूँ। इसके बाद भावुक होकर माइक छोड़कर मंच पर बैठ गए। या विभाग और कोर्ट के सदस्य हो सभी ने मेरा कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, तभी सारे कार्यक्रम हमारे सफल हुए। और मैं संजय जी को यह विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं पहले 8 घंटे काम करता था, अब मैं 10 घंटे उनके साथ काम करूंगा। और इस पार्टी के अंदर जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है उसने मुझे अध्यक्ष बनाया और मैं विधायक भी, और उनके साथ एक नाम लेना चाहता हूं, मैं माफी चाहूंगा उनसे कि आज मैं यहां जो हूं वो अल्पना गुप्ता की वजह से हूं। धन्यवाद। वही कार्यक्रम का आभार व्यक्त करते हुए नवनियुक्त महानगर अध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं का इस स्वागत के लिए आभार और धन्यवाद, मैं सभी के साथ मिलकर काम करूंगा और भाजपा के लिए काम करूंगा। आज सभी साथियों को ये विश्वास दिलाता हूं कि नगर विधायक रितेश गुप्ता के नेतृत्व में कार्य किया जाएगा। इस दौरान मंच पर भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री हरिओम शर्मा, निवर्तमान अध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा, पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व सदस्य गिरीश वर्मा, नथुराम कश्यप, श्याम बिहारी शर्मा के साथ गौरव श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। मंच का संचालन कमल गुलाटी ने किया। गुप्ता जी, क्षेत्रीय महामंत्री श्री हरिओम शर्मा जी, अब तक हमारे अध्यक्ष रहे, बहुत ही जिन्होंने मेहनत से और बहुत ही दिल से काम किया है, ऐसे हमारे यशस्वी धर्मेंद्र मिश्रा जी, यशस्वी अध्यक्ष धर्मेंद्र मिश्रा जी, और पिछड़ा वर्ग आयोग के गिरीश वर्मा जी, सुरेंद्र बिश्नोई जी और राजू पालरा जी, आदरणीय गौरव श्रीवास्तव जी, महानगर के महामंत्री नथुराम कश्यप जी, महामंत्री श्याम बिहारी शर्मा जी, महामंत्री मोहन गुलाटी जी, मेरे भाई महामंत्री दिनेश शीरसवाल जी, उपस्थित मातृशक्ति
एवं मेरे साथी कार्यकर्ता बंधुओं जिनके साथ में आज तक हमेशा बंधी से बंधा मिलाकर पार्टी के लिए काम करता आया। आज सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगा कि जिस प्रकार से आपने मेरा स्वागत किया और इतना असीम प्यार दिया मुझे यहाँ पर, मैं बहुत आत्म विभोर हूँ। आपके इस कष्ट को मैं कैसे उभारूंगा मैं नहीं जानता, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि मैं कार्यकर्ताओं के कंधे से कंधा मिलाकर उनके हर अच्छे प्रयास करूँगा, भरपूर प्रयास करूँगा कि मेरा कोई भी कार्यकर्ता कभी मुझसे नाराज ना हो और मैं हर कार्यकर्ता को चलने का प्रयास करूँगा। और आज मैं यहाँ अगर अध्यक्ष बनाऊँ, कार्य तो मैंने किया ही है जो भी है, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे कोई संकोच नहीं कि माननीय हमारे विधायक जी का बहुत आशीर्वाद मुझ पर रहा, अध्यक्ष जी का भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है उनका, और भी मेरे साथी संगी साथियों का भी बहुत आशीर्वाद रहा मुझे बनाने में। सब लोगों ने मिलकर मेरे लिए प्रयास किया, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और मित्रों ये सब आज बहुत खुशी का दिन है, बातें तो होंगी, आगे भी बैठेंगे। और हमारे सामने सबसे बड़ा जो लक्ष्य है अब 2024 का है, हमें अपना ध्यान 2024 के लिए केंद्रित करना है और हमें अपनी लोकसभा की सीट बहुत बड़े अंतर से जिताकर भेजनी है और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर हमें काम करना है। जब मैं छोटा सा कार्यकर्ता था तब मैं कभी नहीं समझता था, मैंने पार्टी में भी काम किया है, मैंने बूथ में भी काम किया है, युवा मोर्चा में भी काम किया, सब मेरे बारे में बताया भी, और मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं आज किसी दिन अध्यक्ष भी बन सकता हूँ। लेकिन ये खासा पार्टी ही है जिसमें कोई भी छोटा से छोटा कार्यकर्ता एक दिन अध्यक्ष बन लेते सोच भी नहीं सकता, हो जाता है। लेकिन उसके लिए बहुत ही संयम की जरूरत होती है मित्रों, ऐसा नहीं किसी के बर्ताव में आकर चले जाओ, अच्छा होना समय सब आता है, कभी कभी ऐसा होता है कि समय स्थान नहीं मिल पाता किसी कारणों से और लोग चढ़ाते हैं उतारते हैं कि अरे तुम्हें तो कुछ भी नहीं मिला यार, तुम ऐसा करो, तुम विरोध करो, तुम बागी हो जाओ, वो सब हमारे चिंतक नहीं होते, वो सब लोग हमारा बुरा ही चाहते हैं और हमारी पार्टी का ही बुरा चाहते हैं। तो मैं सबसे ये कहूँगा जिसको जो स्थान मिले बहुत अच्छा है, कार्यकर्ता सबसे बड़ी चीज है, कार्यकर्ता से बड़ा कोई पद नहीं है, कार्यकर्ता है तो मित्रों किसी के कहने में नहीं आना है और 2024 के लिए लगना है। और जो भी किसी कार्यकर्ता को आगे कभी कोई जरूरत पड़ेगी, किसी भी प्रकार की जरूरत होगी, तो विधायक जी के सहयोग से पूरा प्रयास किया जाएगा कि उसकी समस्याओं का निदान हो। और पार्टी के लिए हम लोग काम करें, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।